तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर ही रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पर आप लोन अमाउंट देख लो कि मुझे इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 35,000 का मुझे यहाँ पर लोन ऑफर किया जा रहा है जो अभी आप हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते टाइम कोई भी इनकम प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर नहीं दिया है, बस अपने पैन का आधार कार्ड से यहाँ पे KYC कम्प्लीट किया और मुझे यहाँ पे बता दिया गया कि मैं इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पूरे 35,000 का लोन के एलिजिबल हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ ऐसी लोन एप्लीकेशन के तलाश में थे जहां से आपको पैन का आधार कार्ड से KYC कंप्लीट करके लोन मिल जाए तो यह लोन एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। लेकिन आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको सीधा अपने बैंक अकाउंट में भी कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस तो इस लोन एप्लीकेशन का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो मैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से भी आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। और जैसे आप इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है इंटर मोबाइल नंबर, तो आप इस बॉक्स में मोबाइल नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन से क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप रिक्वेस्ट ओटीपी ऑप्शन से क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे उसी मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन का एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी इंटर करके वहां से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना ओटीपी इंटर करके वहां से आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने स्टेप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप इस लोन एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा, तो परमिशन देने के लिए नीचे यहाँ पे आपको आई एग्री का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको आई एग्री वाला ऑप्शन क्लिक करके इस लोन एप्लीकेशन को एक एक करके यहाँ से आपको लगातार परमिशन दे देना है। और जैसे ही यहाँ से लगातार परमिशन दे दोगे फिर दोस्तों अब यहाँ से आप इस लोन एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ जाओगे। और होम स्क्रीन पर आने दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऊपर आपको फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है गेट लोन अप टू 5 लाख, यानी कि दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर पैन का आधार कार्ड से पूरे 5 लाख तक यहाँ से आप लोन ले सकते हो। तो यहाँ से आपको लोन अप्लाई करने के लिए उसके ठीक नीचे कंटिन्यू का जो आइकन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने स्टेप इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए नीचे अब एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट योर आधार कार्ड KYC, तो आपको इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप इस वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो यहाँ से आधार कार्ड वेरीफाई होगा वो डिजी लॉकर के थ्रू होगा। तो डिजी लॉकर के थ्रू करने के लिए नीचे अब अलाउ एंड प्रोसीड का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको अलाउ एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप अलाउ एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इंटर आधार नंबर, तो आपको इस बॉक्स में आधार कार्ड 12 डिजिट का आपको नंबर इंटर कर देना है। फिर नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर होगा उसी मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन का एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी इंटर करके यहाँ से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से यहाँ से अपने आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेते हैं। और आधार कार्ड वेरीफाई होते ही दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको 6 डिजिट का वो डिजी लॉकर पिन इंटर करना पड़ेगा, तो अपना 6 डिजिट कोई से पिन यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे डन का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको डन वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप डन वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको इस लोन एप्लीकेशन का अपना बैंक अकाउंट यहाँ से वेरीफाई करना होगा कि आप कौन से बैंक अकाउंट में अपना लोन अमाउंट लेना चाहते हो, यानी कि दोस्तों अगर इस लोन एप्लीकेशन का अगर आपको लोन ऑफर किया जाता है तो वो लोन अमाउंट आप कौन से बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो वो बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ऊपर आपको पॉपुलर बैंक देखने को मिल जाएगा, जैसे ICICI बैंक देखने को मिल जाएगा, IDFC बैंक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको पॉपुलर बैंक में से कोई भी बैंक है तो यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका इनमें से कोई बैंक आपको देखने को नहीं मिलता है तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च बैंक, तो यहाँ से आप सर्च बैंक वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने स्टेप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बैंक डिटेल्स, यानी दोस्तों अब यहाँ से अपना अकाउंट डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो अकाउंट डिटेल्स में सबसे ऊपर देखने को मिल जाता है बैंक नंबर, यानी दोस्तों यहाँ से अपने अकाउंट नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अपने बैंक अकाउंट का कंफर्म अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, जो आप ऊपर इंटर करोगे सेम वही
यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर नीचे देखना मिल जाएगा आईएफसी कोड, तो दोस्तों आपका बैंक अकाउंट का जो भी आईएफसी कोड होगा वो आईएफसी कोड इंटर करके नीचे वो कंटिन्यू का जो आइकन देखने मिलेगा, तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अपना बैंक डिटेल्स इंटर करके हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। और जैसे वहां से अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे देखने मिल जाएगा इंटर योर करेंट एड्रेस, यानी कि दोस्तों अब यहाँ से अपना करेंट एड्रेस इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर देखने मिल जाएगा हाउस फ्लैट नंबर, तो दोस्तों यहाँ अपना हाउस फ्लैट नंबर इंटर कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आपके हाउस फ्लैट का नंबर यहाँ पे नहीं है तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम इंटर कर लेना है। फिर दोस्तों आपका आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस होगा वह एड्रेस फुल यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों सिक्योर में भी फुल एड्रेस इंटर कर देना है। फिर दोस्तों नीचे पिन को इंटर कर देना है कि आपके एरिया का क्या पिन कोड है वो इंटर कर लीजिएगा। फिर यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि जो आप एड्रेस ऊपर इंटर किए हो क्या आपको वो करेंट एड्रेस है। अगर आपका करेंट एड्रेस है तो यहाँ से आप यस वाले ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। आपका करेंट एड्रेस नहीं हुआ तो यहाँ से आप नो वाले ऑप्शन क्लिक करके करेंट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से अपना एड्रेस इंटर करके नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो हम यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे ऊपर देखने मिल जाएगा पर्सनल ईमेल आईडी, तो यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल इंटर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर फोन में काफी सारा ईमेल होगा तो उसमें से कोई सा ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखने मिल जाता है मंथली इनकम, तो दोस्तों मंथली इनकम को ये इंटर कर देना है कि आप एक मंथ में कितना कमा लेते हो। फिर यहाँ पे कंपनी का नाम इंटर कर देना है कि आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो। जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप यहाँ से कोई भी कंपनी में जॉब नहीं करते, आपका खुद का कोई दुकान या खुद का कोई बिजनेस है तो उसका यहाँ पे नाम इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे देखने मिल जाएगा सेलेक्ट सैलरी डेट, यानी दोस्तों आपका जो सैलरी आता है किस डेट को मिलता है वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे देखने मिल जाएगा सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, तो दोस्तों सेलेक्ट ऑक्यूपेशन में अपना इंप्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आप इंप्लॉयमेंट टाइप में क्या हो, सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड या हाउसवाइफ या स्टूडेंट हो, आप जो भी हो वह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से अपना इंप्लॉयमेंट डिटेल्स इंटर कर दोगे फिर दोस्तों अब यहाँ से आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा। तो दोस्तों इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आपको दो इंटर करना पड़ेगा, एक तो अपने किसी रिलेटिव का नंबर इंटर कर दीजिएगा, फिर दोस्तों सेकंड में अपने फ्रेंड का नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जिसका भी नंबर दे रहे हो आपके रिलेशन में लगते क्या वो इंटर कर लीजिएगा। फिर उनका नाम इंटर करके कॉन्टेक्ट नंबर इंटर कर देना है। फिर दोस्तों सेकंड में भी सेम आपको वही इंटर करके नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उसके बाद तो फिर आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको ना इन एज कंप्लीट करना होगा, तो इन एज कंप्लीट करने के लिए नीचे अब एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ है जनरेट इन एज, तो यहाँ से आपको जनरेट इन एज वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जनरेट इन एज वाले ऑप्शन क्लिक करते दोस्तों आप जो अपना सेटअप और जो आप कंप्लीट करना चाहते हो, नेट बैंकिंग करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, पास जो भी होगा वह सेलेक्ट करके नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों जैसे वहां से अपना सेटअप ऑटो पे मेथड सेलेक्ट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ अपने कार्ड का नंबर इंटर कर लीजिएगा। फिर दोस्तों एक्सपायरिंग डेट यहाँ पे नंबर इंटर करके सीवीवी नंबर इंटर करके नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक करके अपना ई नेच यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम इसी प्रकार से यहाँ से अपना ई नेच कंप्लीट कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे वहां से अपना ई नेच कंप्लीट कर लोगे फिर दोस्तों आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन अंदर यहाँ पे आपको लोन ऑफर बता दिया कि आप इस लोन एप्लीकेशन अंदर कितना लोन एलिजिबल हो। तो सबसे ऊपर यहां पर आप देख लो कि यहां पे कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और यहां पे बताया जा रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुल अप्रूव्ड, यानी दोस्तों मेरे लिए यहां पे लोन ऑफर आ चुका है। और यहां पर आप देख सकते हो कि लिमिट अनलॉकड जो यहां पे बताया जा रहा है कि मैं इस लोन एप्लीकेशन अंदर पूरे 35,000 का लोन एलिजिबल हूं। और यहां पर आप देख सकते हो कि यह जो 35,000 का लोन है यह मुझे पूरे 12 मंथ यानी दोस्तों 1 साल के लिए मुझे यहां पे लोन मार दिया जा रहा है और मेरा जो पर मंथ ईएमआई हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो 3,622 रुपया। तो दोस्तों आपको जितना लोन ऑफर करेगा वो आप देख लीजिएगा। फिर दोस्तों अगर आप कुछ लोन एप्लीकेशन का लोन लेना है तो इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नीचे फंड ट्रांसफर नाउ का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ से वो गेट फंड्स नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे वहां से आप गेट फंड्स नाउ वाले ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों ऊपर यहाँ पर लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप चाहो तो यहाँ से अपना चेंज अमाउंट भी कर सकते हो। जैसे दोस्तों आपको जितना लोन ऑफर किया गया पूरा लोन अमाउंट लेना चाहते हो, उसे कम लोन अमाउंट लेना चाहते हो, अपना लोन अमाउंट यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यह जो 35,000 का लोन है इसको मैं मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम पूरे 1 साल तक लोन अमाउंट ले सकते हैं और मेरा पर मंथ ईएमआई आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो 3,622 रुपया। दोस्तों सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों टेन्योर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको कितना लोन अमाउंट की नीड है, कितना मंथ के लेना चाहते हो। फिर नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से वो कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। और जैसे ही यहाँ से आप कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लोगे फिर दोस्तों आप इस लोन एप्लीकेशन का जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्टर किए उसी मोबाइल नंबर पर इस लोन एप्लीकेशन का एक ओटीपी आएगा। तो ओटीपी इंटर करके जैसे ही वहां से विड्रॉल वाला ऑप्शन क्लिक करोगे उसका दोस्तों 10 से 12 मिनट के अंदर
अंदर में आपने जो भी अकाउंट डिटेल्स दिया है उसी अकाउंट में इस लोन एप्लीकेशन के द्वारा सक्सेस में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों आप भी कुछ इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया कि आपको इस लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई करना है और आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको सीधा अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये भी बता देता हूँ कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस लोन एप्लीकेशन का नाम है स्टार्सफिन पर्सनल लोन ऐप। दोस्तों प्ले स्टोर पर अवेलेबल, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर आपको स्टार्सफिन सर्च करना है, ये लोन एप्लीकेशन आपको देखने मिल जाएगा। तो आप जाइए इस लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके सेम इसी प्रकार से इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाकर लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि अगर आप इस लोन एप्लीकेशन के अंदर जाते लोन अप्लाई करने और हो सकता है कि किसी भी कारणवश आपको यहाँ से लोन नहीं मिलता है या अगर आपका लोन रिजेक्ट कर देता है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों आप सच में स्टैंड पर्सनल लोन लेना चाहते हो और वैसे में आपने काफी सारे लोन एप्लीकेशन ट्राई कर लिया। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं दिया जा रहा है, आपका बार बार लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है, तो दोस्तों मैंने आप सभी लोगों के लिए क्रिप्टो लोन एप्लीकेशन ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको सच में इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आप उन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर जाकर विजिट कर सकते हो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने काफी सारे सब्सक्राइबर लोगों को उन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर से लोन दिलवाया हुआ है और मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर लोग उन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर लोन लेकर खुश है। तो आपको सच में इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है तो आप उन क्रिप्टो एप्लीकेशन के अंदर जाकर विजिट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।